तो हम बात करें टेस्ट के ऊपर, डेट एंड टाइम और टेक्स्ट फॉर्मूले, दो कैटेगरी के फॉर्मूले के टेस्ट के लिए हमने आपके साथ पांच पांच क्वेश्चन शेयर किए थे। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हमें हमारे को एक स्टेप खत्म होता है तो हम एक टेस्ट रखते हैं। तो हमने दो टेस्ट यहाँ पे आपको दिए थे, दो कैटेगरी के, टोटल 10 क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो सेल के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको काउंट करना, कि बी कितना बार है, ई कितना बार है, एफ कितना बार है इस सेल के अंदर। मतलब यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टर कितना बार रिपीट है, ये काउंट करना था, जो कि आपने नहीं बनाया। हालांकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक ट्रिक्स हम लोग आजमाते हैं। हम लोग सबसे पहले लेन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से लेंथ अलग करेंगे 11। फिर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें जाऊंगा और बोलूंगा कि बी को, या यहाँ बी ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं, बी को ब्लैंक कर दे, मतलब कि डिलीट कर दे। डिलीट हो गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में जब हम बी को डिलीट कर रहे हैं तो कैपिटल बी तो हो रहा है बट स्मॉल बी नहीं हो रहा है। देखिए क्या होता है कि केस सेंसिटिव होता है हमारा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। तो आप एक काम करें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हेडिंग वाला बी जो हमारा अपर लेटर में है, तो यहाँ भी हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, अब डिलीट हो गया। वापस हम लेन का फॉर्मूला लगाएंगे और लेन की फॉर्मूले से इसकी काउंट निकाल दी। अब यहाँ पे देखिए, जब बी था तो 11 था, जब था बी था तो 11 था, लेकिन जैसे ही मैंने बी को यहाँ रिमूव किया, आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट पे देखिए आपने सिंपल सा लगाया हुआ है। अपर कर दिया, ये कैपिटल लेटर, इसको भी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों लेटर है हमारे यहाँ, इसलिए। ठीक है, देखिए अपर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो सब्स्टिट्यूट जो है आपका स्मॉल बी को नहीं करेगा, क्योंकि बी वन पे हमारा क्या अपर है, कैपिटल नहीं, स्मॉल बी भी दे सकते हैं ना, बी बी होता है ना। अब देखिए एक्सेल में, एक्सेल के अंदर में अगर आपने बी लिख दिया ए और ये बी लिख दिया, दोनों बराबर होता है, ये चीज जान लीजिए, समझे। कुछ एक फॉर्मूला है जो इन दोनों में फर्क रखता है, जैसे कि फाइंड का फॉर्मूला, एग्जैक्ट का फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, बाकी कोई भी फॉर्मूला इसमें फॉर्क नहीं रखता। बी लुकअप नहीं करता, इफ नहीं रखता, सम इफ नहीं रखता, ये सब नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं जरूरत है तो अपर नहीं लगाइए, तब ये आपका एक बी हो जाएगा। मान लीजिए चलिए कंफ्यूजन थी, छोड़िए, तो फिर भी आपका वन आ गया, तो वन आ रहा है ना। अगर आपको स्मॉल बी भी काउंट करना है उस केस में हम यहाँ ए टू को क्या करेंगे, अपर में कन्वर्ट कर। अब समझ गए बरखा जी, क्लियर है बरखा जी, कोई डाउट इसमें। लेकिन इसको अलग अलग सेल पे किए एक साथ कंबाइन, तो कंबाइन करना तो सिखाया ही था। जैसे कि मैंने इस फॉर्मूले को लिया, कॉपी यहाँ P3 पे पेस्ट कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को उठाया, इक्वल मत लीजिएगा, और यहाँ C13 में पेस्ट कर दिया, तो वापस C13 को, इसका D13 को, D3 को, सॉरी D3 को उठाया और T3 के ऊपर पेस्ट कर दिया, और बाकी सबको डिलीट कर दिया और इसको कट किया और जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख दिया। आगे ड्रैग करना है तो हम A2 है तो A2 का A फ्री हो जाएगा, यहाँ भी A फ्री होगा, और फिर इसको ड्रैग कर, समझ गए। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। सही, अच्छा
जो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने चीजें तो सही की है, आपने चीजें सही की है, बट क्या हुआ कि आपने फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला लगाया ना। अब कल के डेट में राजकुमार यहाँ पे है, राजकुमार सिंह, देखिए हम फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, पहली चीज को जान लीजिए प्रखा जी, तो आप यहाँ पे इस चीज को समझ पाते हैं। फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब मेरा ऑटो अपडेट हो, वन टाइम के लिए तो मैनुअली, अब जितना देर मैंने फॉर्मूला लगाए हैं उतना देर तो मैनुअली लिख देंगे ना हम। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना कि आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए था, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो सबके यहाँ वर्क करे, समझ गए। आपको क्या करना था, जैसे यहाँ पे सिंह राजपूत है, तो अगर सिंह हटाते हैं वैल्यू आ रहा है ना, तो आप यहाँ क्या करते हैं पता है आपको, आपको कुछ नहीं करना था, ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला को लेना और इसको डालना था इफ एरर। आपको याद होगा मैंने एक इफ एरर का फॉर्मूला पढ़ाया था, इफ एरर और फिर इसको डाल देना था इसके अंदर। तो दोनों फॉर्मूले हमने एक सेल में डाल दिए इफ एरर की मदद से, कि अगर पहला फॉर्मूला एरर देगा तो दूसरा चलेगा। अब इसको उठाइए और जहां डालना है वहां डाल, समझ गए। तो एक मिनट, ऊपर चला गया, सिक्स ओके। ए प्लस वन जो आपने किया है ना लास्ट में, ए प्लस वन की जरूरत नहीं, लेकिन दिक्कत है। सिक्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, लेन लेन माइनस, ठीक है समझे कि नहीं, नहीं समझे। हाँ मतलब कि आपने जो फॉर्मूला लगाया था दोनों फॉर्मूला को हमने कंबाइन कर दिया, बस आपने जो राइट वाला फॉर्मूला लगाया था ना वो गलत था, वो लेन की माइनस फाइंड करना था, लेन में से फाइंड करना था, बस लेन को ऐड कर, जैसे जिससे आपने यहाँ पे किया हुआ है ना सेम यहाँ भी होगा, पर तो फर्क हुआ इसमें दो फाइंड होगा और इसमें एक फाइंड। एक और तरीका है इसका, शायद मैंने बताया होगा आप कि मुझे इसमें से शर्मा अलग करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का और बोलूंगा कि स्पेस को रैप्ड स्पेस 99 टाइम रिपीट करो। इसने क्या किया, जितने भी स्पेसेस थे उसको 99 बार रिपीट कर दिया। फिर मैं यहाँ राइट से फॉर्मूला लिया कि इसमें से 99 लेटर को अलग कर, और फिर ट्रिम का फॉर्मूला लगाया जिससे ट्रिम, समझ में आया आप। जी प्रखा जी समझ में आया आपको कि नहीं, ये इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब देखिए इन दोनों में फर्क, ये जो आपने लगाया मेरा फॉर्मूला जो था इसमें और आपका जो इसमें फर्क क्या है, दोनों काम कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ तीन नाम तक ही काम करेगा, चौथा नेम पे आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, लेकिन हमारा ये फॉर्मूला नाम चाहे जितना भी हो सब पे वर्क करेगा, समझ गए फर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री था कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन करना था, ठीक है आपने यहाँ पे टेक्स का फॉर्मूला लगा दिया, सही किया आपने, गुड। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, रैप का एग्जाम्पल भी आपने दिया है, अच्छा दिया है, एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ भी दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर फाइव, नंबर में कन्वर्ट करने के नंबर वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यू का भी फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी सेफ चलेगा।
नंबर वैल्यू आपका लेटेस्ट वर्जन में है ना, पुराने वर्जन में वैल्यू ही फॉर्मूला चलता है। कोई बात नहीं, मैं बस बता रहा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स में नहीं, गलत किया। यहाँ लिखा एज निकालना है, कविता का एज निकालना है। क्या निकालना है? एज, कविता और डेट ऑफ बर्थ है। बात समझ गए? यहाँ सेपरेट नहीं करना है, क्या करना है? एज निकालना है। और शायद मैं ये फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डेटेड इफ का। डेटेड इफ, डेट डी आई एफ बोलते हैं उसको, लेकिन बहुत सारे उसको डेटेड भी बोलते हैं, उसमें से मैं भी हूँ। डेट डी आई एफ दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है। तो डेट ऑफ बर्थ और आज का फॉर्मूले के लिए अपने टूडे डाल दीजिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए आज का। और मुझे क्या चाहिए? ईयर चाहिए, तो हमने वाई कर दिया। देखेंगे कि डेटेड इफ 7 जुलाई 1987 और आज के दिन के बीच के, क्या बोलना है? नहीं मैंने कराया, नहीं मैंने से आया। एज निकालना, डिफरेंस निकालना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आज का डेट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे आज का डेट डाल दिया, ठीक है, और टुडे के जगह पे मैं उसी को सिलेक्ट कर देते हैं। तो दो डेट के बीच में, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में डिफरेंस निकालता है। और डिफरेंस कौन सा डिफरेंस निकालना है? तो हमने यहाँ पे किया वाई, मतलब कि ईयर निकालेगा, कि दोनों बीच डेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हुए। पहला, अगर मैं वाई के जगह पे एम दे दूं तो ये बताएगा कि टोटल मंथ कितने हुए हैं। तो 416 महीना हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे 416 महीने नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 34 साल के बाद कितना महीना हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट 34 साल तो नहीं ना होगा, कुछ महीने होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाई एम, क्या लिखते हैं? वाई एम, कि वाई के बाद का जो मंथ है वो निकलेगा 8 मंथ। और सेम हम डे के लिए भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे डी कर दीजिएगा तो डेट एज इन डेट में आ जाएगा, लेकिन इसी में अगर मैं एम डी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग वाई एम डी लिख देते, नहीं है, 2 डिजिट ही लिखना है। एम डी मंथ के बाद का डेट निकालना है, ये आ गया। तो यहाँ पे हो गया डेट कितना हो गया, एज कितना हो गया कविता की, कविता की डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1987 है, तो आज के तक उसका एज हो गया 34 साल 8 महीने और 14 दिन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अपना एज भी निकाल सकते हैं आप लोग एग्जैक्ट। अब इसको कंबाइन करना था इस फॉर्म में, तो कॉन्करेंट आप कर ही लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना था कि मंथ हम यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट आ जाए। गलत, ये भी गलत आपने, एक तो बढ़िया आपने यहाँ गलत लिखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था हमने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मंथ है ना, हर महीने का स्टार्टिंग डेट तो एक ही होता है ना। डेट बन गया, अब यहाँ पे ईओ मंथ लगा दीजिए, से उसी महीने का लास्ट डेट पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैन डालू तो उसका स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाएगा, मैं फैब डालू तो भी आ जाएगा, मार्च डालू तो भी आ जाएगा। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है पता है? ये क्या होता है कि आपके पास अगर डेटा मंथ, माने कि डेटा में डेट डला हुआ है, तो डेट के साथ अगर मंथ डला है, तो आप आसानी से क्या करेंगे? सम इफ का फॉर्मा निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास मंथ ना हो, डेट वाइज डेटा हो, उस केस में अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सेल्स बिटवीन जनवरी महीने का, तो जनवरी महीने का बिटवीन निकालना होगा कि जनवरी स्टार्ट कब से है और एंड कब से है, ताकि उस डेट की पीरियड का हम डेटा निकाल सकें। वहां पे ये आगे आपको समीप के फॉर्मूले में इसको आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला यूजफुल था। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं बनाया, फिर इसका सिंपल सा हमें ड्यू डेट निकालना है। ये रहा शॉपिंग डेट और इसका ड्यू डेट निकालना है। आप लोग प्रभाकर जी, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपकी एक बिलिंग डेट होती है जिस दिन बिल बनता होगा, एक आपका ड्यू डेट होगा कि जब तब तक पैसा आपको देना है।
इसका बिल बनता है 5 से 6 बिलिंग सर्कल है, मतलब कि 6 तारीख को बिल बनता है और 26 तारीख को देना होता है। अगर 27 जुलाई को किसी ने बाय किया है तो उसका ड्यू डेट कब होगा पैसे का? मानो 27 तारीख को आपने 10,000 का किसी का खरीदा तो आपको उससे पैसे मांगने हैं, तो आपको बताना है कि भाई ड्यू डेट इतने तारीख तक दे दो मुझे, तो ड्यू डेट कैसे निकालोगे? 27 तारीख को है, जुलाई में है, तो इसका मतलब 26 अगस्त को होगा ना क्या? अगर 1 सितंबर को आपने परचेज किया है तो ये 26 सितंबर को देना होगा, क्योंकि 6 तारीख को बिल बनेगा, 26 को देना होगा, वही डेट निकाल मुझे। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, इफ दे, इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर ये लेस देन इक्वल टू 6 है तो डेट का फॉर्मूला लगेगा, डेट पे लगेगा ईयर, फिर लगेगा मंथ और फिर 26 तारीख फिक्स है हमारा, समझ गए? कॉमा, इसमें जो है हम मंथ में +1 कर देंगे, क्या कर देंगे मंथ में +1, मतलब कि अगर 6 से बड़ा हुआ तो सेम डेट आएगा लेकिन महीने में एक जुड़ जाएगा, नहीं तो 26 तारीख करके देगा, जैसे यहाँ पे 26 अगस्त हो गया। समझ में आया सबको कि नहीं? देखिए हम सिंपल सा, सबसे पहले इसमें से डे निकाल लें और बोला कि डे अगर 26 6 से नीचे है, मतलब 1 से 6 के बीच में है, तो उसी महीने की 26 तारीख दिख जाए, उसी महीने की 26 तारीख दिख जाए, तो हमने ईयर निकाल के इसमें ईयर निकाल लिया, मंथ इसमें से मंथ निकाल लिया, राइट, और 26 हमने फिक्स कर दिया, लेकिन 6 से 12 छोटा नहीं है बड़ा है, तब हमने बोला कि सब चीज सेम रहेगा, बस महीने में एक जुड़ जाएगा, दिख रहा है महीने में एक जोड़ दिया हमने। क्योंकि 2020 का डेट है ना, ठीक है, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसको जोड़ना था, सही जोड़ा आपने, गुड है, और फिर यहाँ दो डेट के बीच का यहाँ पे आपको कंबाइन करना, तो आपने सही किया है, लेकिन आपने अलग अलग जो कर दिया ना, आप यहाँ इकट्ठा भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या करते ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे आउट डेट प्लस आउट टाइम माइनस अगेन ब्रैकेट इन डेट प्लस रिपोर्ट डेट प्लस रिपोर्ट टाइम, ठीक है, तो आपको इतना जरूरत नहीं पड़ता, क्या बोले प्रकाश जी? और यहां भी आपने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है तो टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट दिख तो रहा है, डेट डेट टाइम इकट्ठा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे कि किसी भी डेट में टाइम को अगर आप जोड़ देते हैं तो डेट एंड टाइम इकट्ठा ऑटोमेटिक आता है, पता है ना? हाँ, तो टेक्स्ट के थ्रू करके आपने लंबा प्रोसीजर का अपनाया, लेकिन सिंपल था, प्लस कर देना था, ठीक है, क्योंकि तो मैंने बताया था आपको कि डेट जो होता है वो क्या होता है, नंबर, और टाइम जो होता है डेसिमल होता है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि ये जो डेट दिख रहा है तो फॉर्मेट है ना, एक्चुअली में तो ये है ना। कंट्रोल शिफ्ट हैश से डेट कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट से टाइम कन्वर्ट होगा, लेकिन डिफॉल्ट फॉर्मेट में, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो फिर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके फॉर्मेट लेना पड़ेगा, समझे? तो टेक्स्ट आपका डेट आपका टाइल्स टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट होगा इससे नहीं होता। अभी कीजिए, कोई डेट लिखे, कोई डेट लिखे तो
डेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फाइल भेज दूँ क्या आप लोगों को? चर्चिल जी आपने तो भेजा ही नहीं ना, दिल तोड़ दिया आपने। इस तरह के टेस्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कैसे आप एलिजिबल होंगे? अभी जैसे अभी क्वेश्चन हमने बताए तो प्रकाश जी आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन चीजें जो कि आपको वो चीज पता है बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसमें एक डेट एंड इफ का फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, बाकी सारे फॉर्मूले तो मैंने आपको बताए ही ना। लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी जगहों में दिक्कत कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ फॉर्मूला सीख लेंगे, चीजें सीख लेंगे, इसका मतलब नहीं है कि आप ऑफिस में सारे काम को कर लेंगे। समझे? तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ट्रिक्स पे भी करना जरूरी है। अब जैसे कि आपका ये फाइल खोल रहा हूं, तो इस फाइल में इसी में आपने मेरे को दो चैलेंजेस थे, डेटा समहाउ डाल दिया टीम्स में। एक तो प्रॉब्लम मुझे आई इसमें, अगर मैं ये इन्हें हटाती तो जो सेशन में मैंने इन्हें फॉर्मूला में एरर करके देखिए ये बताने की देखिए कोशिश करी, एक देखिए, तो ये आपने जो हटा। लगाया है ना, आपने जो लगाया है वो तरीका गलत है। समझ गए ना? आपने पहले डेटा के अंदर एक यूनिक आईडी बनाना चाहिए था। बात समझ जाइए, इसमें लगेगा इफ का फॉर्मूला, इसमें लगेगा मैच का फॉर्मूला, ऑफसेट का फॉर्मूला, वीलुकअप का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ऑफसेट भी बता ही रखा हूँ, इंडेक्स मैच इंडेक्स भी बता रखा हूँ जी। हाँ, सिर्फ वी लुकअप से नहीं होगा ना, क्योंकि तो वी लुकअप से सामने लगाया वाली हुआ है डेट आ मैंने। जाएगी ना, इसके नीचे वाली डेट थोड़ी आ पाएगी। वी लुकअप क्या लग रहा है, वो सामने की वैल्यू देता है ना, नीचे वैल्यू थोड़ी देता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना था और यहाँ पे कंडीशन देना था कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मैक्स, याद होगा मैंने बताया था एग्जाम्पल, ए प्लस वन, अदरवाइज ब्लैंक। समझे? ए टू को फ्रीज कर दिया, इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया, कर दिया। इससे क्या हुआ कि हर डेट के सामने एक नंबर जनरेट हो गया, हो गया यूनिक है। अब सीरियल नंबर में मैनुअली वन लिखूंगा और यहां पे दूंगा कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे क्या वो मैक्स, माने कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन द ए कॉलन है, अगर उससे ज्यादा है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो। और जो इस तरह की चीजें बनाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें एरर आने के चांसेस है, तो इसके लिए हमने क्या बोला था आपको, इफ एरर का फॉर्मूला, याद होगा इफ की क्लास में इसको समझाया था मैंने आपको। और इसको नीचे तक ड्रैग कर, आ गया 7 नंबर। अब मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप लगा के वन के बिहाफ पे इसका डेट पता करूंगा, ठीक है? और इसको भी इफ एरर से हम क्या करेंगे, ये लगा दें। तो वी लुकअप का काम यहीं तक था, अब इसके आगे नहीं ला सकता क्योंकि डेट के सामने पूछा नहीं। अगर इकट्ठा सारा होता तो हम ऐसा ला सकते थे, वी लुकअप ही सारा काम कर देता। समझे? तो ब्लैंक को भी रीड कर रहा था, ये जो ब्लैंक है इसको भी रीड कर रहा था। तो आपने देखा, अगर ये सारा वैल्यू इसी के सामने होता ना तो मुझे फिर वी लुकअप से ही हो जाता, ठीक है प्रखा जी? समझ में आया प्रॉब्लम?
सबसे पहले मैंने इफ का फॉर्मूला में मैक्स यूज किया, बोला कि सामने वाली वैल्यू, मतलब कि हमें पता है कि इसके सामने डेट है और डेट के बाद कुछ और नहीं डला है, जहां से पता जहां जहां डेट डला है वहां वहां उसने क्या किया, यूनिक डाल दिया। अगर कुछ और डला होता तो फिर मुझे यहाँ पे इफ में इज डेट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि सामने वाली वैल्यू अगर डेट है तो नंबर दो, ठीक है। अब बट यहाँ नेम कैसे आया, क्योंकि नेम तो इसे एक कॉलम नीचे है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला मैच का, मैच नंबर लिया और हमने इसके अंदर लुकअप किया, तो मैच ने बता दिया इसका रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ मैच लगा सकते हैं, पर प्रॉब्लम है कि मैच तो वी लुकअप की तरह ही काम करेगा ना, नहीं रो नहीं होता रहा, रो नहीं। तो यहां हम यूज करेंगे ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा और बोलेंगे कि रो नंबर मैच ही का होगा और कॉलम नंबर जो होगा वो होगा 0 1 2। आ गया पूजा, और किसी इंडेक्स भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑफसेट तो अच्छा लगता है। फिर इसको इफ एरर का फॉर्मूला लगा के नीचे की तरफ जाए, ए1 को फ्रीज करना होगा ना, नाम आ गया। इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं यहाँ डेबिट क्रेडिट पे, डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा ए, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5, यहां दे दीजिए 2 के जगह पे 5, समझ गए। फिर कॉपी यहां पेस्ट कर दीजिए, अब यहां पे 5 के जगह पे हो जाएगा 6, और यहां आपका हो जाता है बैलेंस, और यहां पे 6 के जगह पे 7, लेकिन नहीं आया 0 आया, क्योंकि वो नीचे वाले रो में है ना, इसका मतलब है कि मुझे मैच पे +1 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, +1, ताकि वो अगली रो में आए। और 6 ही होगा, समझे। अब इसे होगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक और नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम और दे दिया नीचे कहीं, तो डालते ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 8 हो गया, और यहाँ देखिए 8वां नंबर आ गया, समझ गए। तो इसको आप अपने हिसाब से कीजिएगा, किसी और चेंजिंग वगैरह करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ वी लुकअप को फिनिश करेंगे और एक वी लुकअप का एक और टास्क देंगे आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में भी आप अभी ये जो चीजें बताई, इसमें जो बताए इसमें भी मोस्टली चीज आपको आता ही था, इफ आपको आता ही था, मैथ्स आपको आता ही था, वी लुकअप भी आता था, मैच भी आता था, इंडेक्स भी आता था, ऑफसेट भी आता था, क्या। बट वही है कि हमने प्लेसमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि आप लोग जो है फॉर्मूले के जो जो फॉर्मूले का सेंटेक्स है ना उसी पे सोच रहे हैं, उसके लीक से हट के नहीं सोच रहे हैं, और ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि ऑफिस के अंदर में जब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा तो इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। आपका बॉस आपको फोन करके ना बोलेगा कि चर्चिल मुझे इस पे मैच लगा के दे दो, चाहे चर्चिल मुझे इस पे फलाना करके दे दो, क्या। सो प्लीज इसको आप एक बार देखें अगली क्लास में, बोलिए क्या सर। हाँ मैंने बोला तो था इवनिंग के नाइट में आ जाइए, नाइट में 8 बजे आ जाइए, ले लेंगे।